दुनिया भर में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। लाल सागर में हुतियों का उत्पात, साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखलअंदाजी, और तो और पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव, और ऐसे में भारत भी लगातार खुद को सुरक्षित रखने के लिए लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से जमीन पर मौजूद एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया था। इसके बाद नौसेना ने जो तस्वीरें जारी की थी उससे पता चला था कि इस मिसाइल टेस्ट को राजपूत क्लास के विध्वंसक जहाज INS रणवीर या INS रणविजय से दागा गया था। हालांकि इसको लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल के विभिन्न वेरिएंट्स का परीक्षण अक्सर किया जाता रहा है, लेकिन 24 जनवरी को जो परीक्षण था वो ब्रह्मोस मिसाइल की एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का था। मतलब कि भारत ने इस मिसाइल परीक्षण के लिए जो एरिया वार्निंग जारी किया था उसकी लंबाई करीब 900 किलोमीटर थी। और इससे अब ये बात पता चलती है कि ब्रह्मोस मिसाइल अब 900 किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंचने में सक्षम है। वैसे देखा जाए तो भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से ब्रह्मोस एक है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस के बीच एक संयुक्त परियोजना के जरिए किया गया था। शुरू में इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक ही सीमित थी, क्योंकि तब भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम का भागीदार नहीं था। लेकिन समय के साथ बदलाव देखे गए, भारत 2016 में इसका सदस्य बना और मार्च 2017 तक मिसाइल की 400 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद भारत ने एक के बाद एक ब्रह्मोस के कई वेरिएंट्स का निर्माण किया, जिसमें लड़ाकू विमानों से दागे जाने वाली ब्रह्मोस NG मिसाइल भी शामिल। इस बात की जानकारी खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दी कि वो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 900 किलोमीटर तक करने पर काम कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि 2016 के बाद इस मिसाइल की रेंज में 3 गुना वृद्धि देखी गई, और आने वाले समय में इसके तमाम वेरिएंट्स में और भी बदलाव देखने की उम्मीद है। 290 किलोमीटर की सीमा तक मार करने वाली पुरानी ब्रह्मोस मिसाइलों को भी 900 किलोमीटर वाली रेंज में अपग्रेड किया जा सकेगा। हाँ, अब सवाल यह है कि ब्रह्मोस पाकिस्तान में कहां तक घुसकर मार सकती है। तो इसका जवाब है ब्रह्मोस मिसाइल का नया वेरिएंट पूरा POK सियालकोट, लाहौर, कसूर, गुंजरवाला और ऐसी कई जगहों पर मिलिट्री ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। इसके अलावा चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में मौजूद चीनी सेना के ठिकाने भी इसकी रेंज में है। ब्रह्मोस का जो एक्सटेंडेड वेरिएंट है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे न्यांगची, उत्तराखंड से सटे गिरंग काउंटी, सिक्किम से सटे कम्बा काउंटी के आसपास स्थित चीनी सीमा के ठिकानों और भारतीय सीमा के करीब से गुजरने वाले G219 हाईवे को भी निशाना बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।